सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हे एवरीवन, माय नेम इज रिमी, वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपके बच्चों ने आपकी वॉल को खराब कर दी है तो उसे कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी भी बेबी अभी 2.5 इयर्स की है और वो कोई भी पेंसिल कलर कुछ भी देखती है तो तुरंत वॉल पे ड्रॉ करने लगती है, तो घर इतना खराब दिखने लगता है कि पूछे ही मत। तो मुझे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही था, तो मैंने 2 से 3 चीज उस वॉल पे अप्लाई की और मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रही है। तो कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 3 तरीके से अपनी वॉल्स को साफ करने की कोशिश की थी, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला मेथड दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं वेनेगर ले रही हूँ और 2 टेबल स्पून जो है बाउल में डाल दूंगी, फिर स्पॉन्ज वाइप्स की हेल्प से मैं इसे साफ करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि पेन से मेरी डॉटर ने पूरी वॉल खराब कर दी है यहाँ पे, तो मैं इसे वेनेगर से साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने रिसर्च किया था कि कैसे अपने वॉल्स के स्टेन्स को हटा सकते हैं, तो मुझे 1-2 चीज़ें मिली हैं, मैं उसी से को साफ करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। तो देखती हूँ कि किससे अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है। तो मैंने 20 मिनट्स तक इस वॉल को साफ किया मगर मुझे रिजल्ट कुछ खास नहीं मिला। तो यहाँ पेन का मार्क बहुत थोड़ा सा ही लाइट हुआ, ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं पता चला, तो इसलिए मैं इस मेथड को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और दूसरे अपने मेथड पे जा रही हूँ। तो इस सेकेंड मेथड के लिए मुझे सबसे पहले बेकिंग सोडा लेना होगा। तो बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून ले रही हूँ और फिर इसमें वाटर ऐड करूँगी। तो वाटर ऐड करने के बाद स्पॉन्ज वाइप्स की हेल्प से हमें इसे साफ करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये वाली वॉल मेरी पूरी क्रेयॉन से ख़राब हो गई है, तो इसे मैं बेकिंग सोडा की हेल्प से मैं इसे साफ करने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी वॉल धीरे धीरे साफ हो रही है। मुझे इसे साफ करने में 5 से 10 मिनट लगे थे, तो इतने टाइम में हमारी वॉल इजली साफ हो गई थी। तो अब मैं साफ कॉटन के कपड़े को गीला करके इसे एक बार अच्छे से साफ कर लूंगी और ये देखिए हमारी वॉल अच्छे से साफ हो गई। तो मैं अब अपने तीसरे और आखिरी मेथड पे आती हूँ, जिसके लिए मुझे कॉलीन चाहिए होगा और कॉलीन से ये मैं क्रेयॉन साफ करूँगी। तो ये कॉलीन से साफ करने का आइडिया ये हमारा खुद का था, हम लोग को लगा कि कॉलीन से अच्छे से साफ हो सकता है, क्योंकि ये वेनेगर हमने यूज़ किया उससे हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। बेकिंग सोडा से तो रिजल्ट हमें मिला मगर थोड़ा टाइम लग गया, तो एक बार हम लोग ने सोचा क्यों ना कॉलीन से साफ करके देखें। तो कॉलीन से साफ करके हम लोग ने देखा, हम लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और क्विक रिजल्ट मिला। बस यही है कि क्विक रिजल्ट के लिए मैंने यहाँ पे स्कॉच ब्राइट यूज़ किया, तो इसे हल्के हाथ से हमें यूज़ करना है। अगर आप स्कॉच ब्राइट से हल्के हाथ से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी वॉल ख़राब हो जाएगी, तो आप वाइप्स ही यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं कॉलीन से पेन वाले स्टेन्स भी सारे रिमूव करने जा रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी धीरे धीरे सारी वॉल साफ होती दिख रही है और इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला कॉलीन से। आप क्रेयॉन्स वाले स्टेन्स भी रिमूव कर सकते हैं और पेन वाले भी। तो आप भी अपने वॉल को बेकिंग सोडा और कॉलीन से साफ करके ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके बाय बाय।